केंद्र सरकार स्किल ट्रेनिंग जॉब स्कीम्स के तहत चलाई जाने वाली सभी योजनाओं को जम्मू कश्मीर में बंद करने जा रही है। सरकार ने इन योजनाओं को बंद करने का हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में इन योजनाओं में कम दिलचस्पी दिखाने की वजह से इन्हें बंद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए शुरू की गई स्किल ट्रेनिंग जॉब्स स्कीम केंद्र सरकार बंद करने जा रही है। बंद होने जा रही स्कीम्स में उड़ान स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शामिल है। जम्मू कश्मीर में इन योजनाओं को बंद करने की बड़ी वजह है कि राज्य के युवा इन योजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं की दिलचस्पी न दिखाने की वजह से ज्यादातर MNC कंपनियां बेहतर अवसर देने में असमर्थ हैं। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाना पसंद ही नहीं करते। जम्मू कश्मीर में 750 करोड़ रुपए के बजट से शुरू की गई उड़ान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसे कोर्स कराए जाते थे। इस योजना को शुरू करने के पीछे बड़ा मकसद था कि कश्मीर घाटी में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को लाना। उड़ान स्कीम के तहत राज्य में 90,000 युवाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य था, जबकि NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से साल 2018 में एक RTI के जवाब में दी गई जानकारी के मुताबिक 31,903 युवाओं ने उड़ान स्कीम में ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इनमें से 22,237 युवाओं ने ही ट्रेनिंग पूरी की और इनमें से 14,694 को नौकरी के अवसर मिले, जबकि सिर्फ 9,780 का ही प्लेसमेंट हो सका। यानी पिछले 5 साल में उड़ान योजना से लगभग 10% युवाओं को ही रोजगार मिल सका। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ही हाल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और हिमायत योजना का भी रहा है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।